जय हिंद दोस्तों। कल हम क्वेश्चन नंबर 12 तक बता दिए थे। ऐसे तो देखिए, क्लास को रिकॉर्ड करते वक्त आए दिन कभी बकरी का आवाज़, कभी कुत्ता की आवाज़, कभी बच्चे का आवाज़ आते रहता, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि आज ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो क्योंकि घर में खटखट हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा हमेशा की तरह, क्योंकि ध्यान कंटेंट पे देना है, आवाज़ पे नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज तो आपको मालूम ही है, नहीं मालूम है तो थंबनेल में लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित के मान निकालना है। 13 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 135 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 120 डिग्री, कॉस स्क्वायर 120 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 120 डिग्री और प्लस टेन स्क्वायर 150 डिग्री। मतलब एक ही हिसाब में, एक ही क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन में आपको चार क्वेश्चन डाल दिया गया और चारों का कम्बिनेशन करके एक नया क्वेश्चन बना दिया गया, अगर ध्यान से देखोगे तो। एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान आपको क्या देना है ना, कि साइन 135, कॉस 135, साइन 120, मतलब साइन 135, कॉस 120, साइन 120, फिर टेन 150 डिग्री। चार क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया आपको। जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग चार बार डील करना है, एक ही बार डील करना है, तो हम एक ही साथ बताएंगे, एक एक करके उतना नहीं बताएंगे, एक ही बार देखो क्या करने वाले हैं। पहले तो हम यहाँ समझा दें कि साइन स्क्वायर 100 पे, पहले इसको लिखो साइन स्क्वायर और सोचो कि आखिर ये किसके आसपास है। 135 डिग्री, आपके पास दो ऑप्शन है, 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है। पहले एक क्वाड्रेंट बना देते हैं जिससे कि हर बार के जो टेंशन है वो टेंशन ही ख़त्म हो जाए। ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये वाला 270 डिग्री हो गया और फिर घुमा के 360 डिग्री हो गया। आप ज़रा दिमाग पे जोर डालिए कि 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 135 डिग्री 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, यानी जाहिर सी बात है सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो 135 को आप दो तरह से तोड़ सकते हैं, चाहे तो आप 90 पर भी इसको तोड़ सकते हैं क्योंकि 90 के आसपास है, और अगर आप चाहें तो 180 पे भी तोड़ सकते हैं क्योंकि 180 के आसपास है, वो दोनों के बीच में पड़ रहा है। 135 डिग्री 90 और 180 के बीच में, तो आप पूरा आज़ाद हैं, आपको जो अच्छा लगे, जिस पे अच्छा लगे तोड़ दीजिए, हिसाब गलत नहीं होने वाला है। हम मान लो 90 पे ही तोड़ते हैं, 90 और प्लस 45 तो भी ठीक है, प्लस ये कॉस 120 है तो लिखो कॉस 120, और फिर सोचो कि 120 डिग्री किसके आसपास पड़ेगा। 120 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, मतलब इसी के बीच में कहीं आने वाला है, तो आप इसको 90 पे और 180 पे दोनों पे तोड़ सकते हैं। हम 90 पे ही तोड़ते हैं फिलहाल अभी शुरुआत में। 90 प्लस 30 माइनस साइन 120 है, इसको भी तोड़ो तो साइन स्क्वायर, और इसको भी वैसे ही लिखो 90 और प्लस 30, 90 प्लस 30 आ जाएगा ठीक है, और टेन स्क्वायर 150 डिग्री, तो टेन स्क्वायर 150 डिग्री, तो 150 डिग्री भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। आप जितना भी थीटा इसमें देख रहे हो, जो भी थीटा है, जो भी मतलब क्या है, 135 डिग्री है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, 150 डिग्री, ये सब जितना थीटा है वो सबके सब जो थीटा आ रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो या तो 90 पे तोड़ो या तो 180 पे, हम सबको 90 पे तोड़ रहे हैं, तो इसको भी लिख देते हैं 150 डिग्री को 90 प्लस 60। अब जरा समझो, देखिए 90 तो 90 पे तो साइन बदल जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉस 45। रहा बात स्क्वायर है सर, तो कोई बात नहीं स्क्वायर लगा दो, क्योंकि सेम चीज़ में आप दो बार लिखिएगा। साइन स्क्वायर के मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा समझो, हम समझाते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर 135 को आप ऐसे लिख सकते थे कि साइन 135 डिग्री के होल स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं हम। और स्क्वायर के मतलब क्या हो गया, कि सेम चीज़ में आपको आप दो बार लिखो, साइन 135 डिग्री गुने साइन 135 डिग्री, फिर इसको पहली बार तोड़ोगे कॉस, मतलब कॉस बोल रहे हैं डायरेक्ट तोड़ दिए, साइन 90 प्लस 45, और फिर उसको भी तोड़ोगे साइन 90 प्लस 45, और फिर इसको लिखोगे कॉस 45। तो थोड़ा सा लग रहा है ना कि कहाँ माथा पर के जा पर इतना मनी तोड़ रहे हैं, इसीलिए तो इतना टाइम आपका बर्बाद हम नहीं करें, क्योंकि समझते हैं टाइम कीमती होता है। आईएससी के विद्यार्थी डायरेक्ट साइन स्क्वायर को हम चेंज कर दें 90 प्लस, साइन स्क्वायर 90 पे बदल गया कॉस स्क्वायर 45 में, प्लस इधर देखो कॉस स्क्वायर, तो
90 पे बदल जाता है, कॉस बदल जाएगा किस में, साइन स्क्वायर 30 में। और एक बात अच्छा है इसमें कि आपको प्लस माइनस के झंझटे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो कि अगर माइनसों में आ गया तो भी हम प्लस लिखेंगे, अब प्लस आ गया तो प्लस से लिखेंगे, ऐसा का है। अगर माइनस में आएगा तो हमको माइनस लिखना चाहिए, आप प्लस का है बोल रहे हैं। देखो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर है, अगर इसका वैल्यू कैसे हूँ आ भी जाता है माइनसों में, तो हम स्क्वायर की वजह से तो प्लस में लिखेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर की वजह से प्लस में, तो प्लस या माइनस के तो झंझटे नहीं होना चाहिए अब, कि क्या प्लस क्या माइनस, हर बार प्लस होगा। यहाँ पे समझो साइन स्क्वायर 90 बदला जाएगा, और 90 पे बदला जाता है साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बदला जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे टेन 90, तो टेन 90, 90 डिग्री पे टेन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट स्क्वायर 60। अब प्लस या माइनस नहीं लगाए सर, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा, तो सेकेंड सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट स्क्वायर की वजह से सब प्लस हो जाएगा। सोचो कॉस 45 के मान, तो 1/√2, तो 1/√2 के स्क्वायर कर दिए। साइन 30 के मान 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर कर दिए। माइनस कॉस 30 के मान √3/2 के होल स्क्वायर कर दिए। कॉट 60 डिग्री के वैल्यू तो 1/√3 के होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं, 1 के स्क्वायर 1 का 2 के स्क्वायर 2, यहाँ से 1/4, वहाँ देखते हैं तो सिर्फ 3 बटा में 4 प्लस में 1/3, सबको जोड़ दो तो हम जानते हैं कि 2 है 4 है 4 है 3 है, सब कैल्सियम कितना हो जाएगा, 12। 2 का कई बार पढ़ें कि 12 आ जाएगा, 6 बार, तो यहाँ 6 लिखो प्लस। 4 का कई बार पढ़ें 12 आ जाएगा, 3 बार, तो ऊपर वाला भी 3 बार पढ़ जाओ। माइनस 4 का कई बार पढ़ें कि 12 आएगा, 3 बार, तो ऊपर वाला 3 बार पढ़ जाओ, 9 प्लस 3 6 12, तो 4। अब सबको जोड़ दो, जोड़ दो मतलब 6 और 3 9 हो गया, 9 में से 9 घट गया, सब खत्म, बच गया 4/12, इसको काट देना, तो कट के कितना आंसर हो जाएगा, 1/3, दैट्स राइट आंसर, 1/3 आंसर होगा। चांद तारों में नजर आए, है तो सब वैसे ही। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 cos² 135 डिग्री और प्लस साइन 150 डिग्री और प्लस हाफ कॉस 180 डिग्री और प्लस टेन 135 डिग्री, क्या करना है। तो इस बार भी सब लग रहा है कि 90 से ज़्यादा है, एक वो सिर्फ ऐसा है ना जो 180 पे पहुंच गया, कोई बात नहीं, इसको भी हम 90 पे ही तोड़ेंगे, इसको 90 पे ही तोड़ेंगे, समझो। 2 और cos² 135 डिग्री, ये दोनों आपके पास ऑप्शन रहता है कि या तो 90 पे तोड़ो 180 पे तोड़ो, आप दोनों में फ्री है, चाहो तो 90 पे ही तोड़ दो, 90 प्लस कितना 45, और ये साइन 150 डिग्री है, इसके लिए भी आप फ्री है, इसके लिए भी आप तोड़ सकते हैं 90 प्लस 60 डिग्री। अगर आप चाहें तो साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हो, प्लस कॉस 180, कॉस 180 को क्या करे भाई, तो कॉस तो खुद 180 है, इसको तोड़ो कॉस 90 प्लस 90, और प्लस में टेन 135 डिग्री, तो टेन 135 डिग्री। देखिए 135 डिग्री को आप चाहें तो 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, और नहीं तो पहले जैसा कि 90 प्लस 45, अब सब जगह थोड़ा सा चेंज कर देना है। 2 तो 2 है, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बदला जाता है किसमें, साइन, साइन स्क्वायर 45, स्क्वायर है तो प्लस माइनस के झंझट ने, प्लस साइन, ध्यान रहे कि आप किसका मान निकाल रहे हैं, साइन 150 डिग्री, पूरा माइंड में सेट रखना है कि हम मान किसका निकाल रहे हैं, साइन के, साइन के, बाद में बदल मत जाना कि हम कॉस के निकाल रहे थे, ध्यान देना हम साइन के मान निकाल रहे हैं, और साइन 90 बदला जाता है किसमें, कॉस थीटा, कॉस 60, वो भी प्लस में रह जाएगा प्लस। लेकिन यहाँ सोचना है थोड़ा सा, 1/2, तो 1/2 लिखो, प्लस माइनस बाद में सोचेंगे, फिलहाल कॉस 90, कॉस 90 बदल जाएगा, कॉस 90 बदल जाएगा, कॉस 90 बदल जाएगा किसमें, साइन थीटा, साइन थीटा माने साइन 90, लेकिन प्लस या माइनस, अब सोचो 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, 180 नहीं देखना, 90 से ज़्यादा, और 90 से ज़्यादा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड घर होता है ऑल साइन टैन कॉस, तो ये तो साइन के घर है,
साइनेन है सर। अरे यार इस पे फोकस मत करो यार, यहाँ देखो आप कॉस के मान निकाल रहे थे, इसीलिए जो भी निकालोगे वो आएगा कैसन में, माइनस में, बस यही स्पेशल था। टेन 135, तो टेन 135 को कैसे लिखेंगे, तो खैर चेंज कर दिए हैं, यहाँ पे टेन बदला जाएगा किस में, कॉट 35 में, लेकिन प्लस में नहीं होगा, ये भी किस में होगा, माइनस में। क्यों क्यों? क्योंकि 135 मतलब 90 से ज़्यादा, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच गए, सेकेंड किसका घर है, साइन के, मतलब साइन को छोड़कर बाकी सब माइनस होगा, तो आप जो टेन देख रहे हैं वो माइनस में लिखो, इसलिए माइनस में हो गया। अब देखिए इधर 2 हो गया, और साइन 45 डिग्री के वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1/√2, तो 1/2 के स्क्वायर प्लस में कॉस 60, तो कॉस 60 के उतने मान होता है, कॉस 60 डिग्री उतने होता है जितना साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 माइनस 1/2, साइन 90 डिग्री के मान 1, फिर है कॉट, अरे यार गलती से 35 लिखा गया, 35 नहीं होगा 45 होगा, कॉट 45 के मान 1, जरा समझो, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, ये कैंसिल, क्योंकि 1/2 ही है, फिर तो 1/2 है, कट गया, बचा कितना, 2 गुने। इधर देखिए 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर सिर्फ 2, माइनस में 1, ये कैंसिल, तो सिर्फ 1 बचा, 1 से 1 सिर्फ कैंसिल, तो कट के कितना हो जाएगा, 0। 13 के दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व, 13 के 3रा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, 10² 45 माइनस 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 180, 2 cos² 45, sec² 180, sin² 60 या tan² 45, तो इस पे ध्यान दिया जाए क्या है जो? देखो ये तो सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी सही, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो सबसे लास्ट में है, जैसे tan² 45 तो 1 के स्क्वायर sin² 60, साइन 60 के वैल्यू होता है √3/2, √3/2 के होल स्क्वायर प्लस में 2 cos² 45, cos 45 के मान 1/√2, तो 1/√2 के स्क्वायर प्लस, दिक्कत तो यहाँ है कि sec 180 डिग्री के मान कैसे निकाले, तो sec² 180 डिग्री को तोड़ दो, 90 प्लस 90, अब ध्यान रहे कि 1 के स्क्वायर 1 कहीं इधर तो हो गया 4, और √3 के स्क्वायर 3 बटा में 4 प्लस 2 × 1/2 प्लस, इसको तोड़ना है, sec स्क्वायर हम जानते हैं कि sec 90 डिग्री पे बदल जाएगा, और sec 90 डिग्री में चेंज हो जाएगा cosec² 90, ई कटिए गया, ई कटिए गया, तो यहाँ से 1 - 3 आ प्लस में 1, यहाँ बच गया 1 प्लस cosec 90 डिग्री, तो cosec 90 डिग्री अगर नहीं जानते हो तो sin 90 डिग्री तो मालूम होगा ना, sin 90 डिग्री के मान अगर पता है तो पलट दो, तो sin 90 डिग्री 1 होता है सर, तो ई भी 1 के पलट के 1, 1 1 1 1 1 3 हो गया, ये 3 माइनस में हो गया, कट के हो गया 0 आंसर, मतलब ई तो देखो सही है, ई तो एक चीज़ सत्य है बाबू, कि अगर आपको sin 30 डिग्री sin 45 डिग्री अरे यार sin 90 डिग्री के ही मानने आता है, तो फिर आगे आप 90 डिग्री से आगे के बारे में सोच ही नहीं सकते हो, 90 डिग्री तक के मान क्लियर होना चाहिए, अगर 90 डिग्री तक के मान नहीं याद है तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा। और रहा बात कि 90 के मान कैसे याद होगा, तो 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं, अर्चना बैच है उसको देख लो, इसी चैनल पे त्रिकोणमिति का अर्चना बैच होगा, उसमें देखिए कहाँ पे मान वाला क्वेश्चन बताए हैं, मान वाला क्वेश्चन को देख के मान वहाँ से रट लो, रट लो नहीं तो समझ लो कि मान कैसे याद रखेंगे, कम से कम मान वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए, त्रिकोणमिति हम कहेंगे पूरा देख लीजिए 10th वाला, लेकिन फिर भी नहीं टाइम है तो कम से कम जो मान पे आधारित प्रश्न है उसको कम से कम बना लीजिए 1-2 बार, नहीं तो हमेशा प्रॉब्लम रहवे करेगा, ISC में हमेशा आपको परेशानी होते रहेगा। 10² 45 डिग्री, 4 sin² अच्छा यही तो अभी बताए थे, तो अभी बता यही तो था अभी,
यही तो बताए थे, तीसरे तो था भुला जाते हैं, चौथा नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6। अच्छा अब रेडियन के फॉर्म में आने लगा है, कॉस 1 5 पाई बाई 6, फिर प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6। कोई बात नहीं, पाई बाई 6 है वो भी बन जाएगा। देखो पाई रेडियन होता है एक तरह से, तो हम इसको अगर थीटा में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर नहीं तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो, ऐसे चेंज ही कर देते हैं। कॉट स्क्वायर और पाई माने 180 डिग्री होता है, बटा में 6 है, तो जाहिर सी बात है 180 बटा 6 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कौशिक, तो कौशिक लिखो, और पाई बटा 6, तो पाई बटा 6 तो खैर ये तो 30 डिग्री हो गया, लेकिन 5 जे गुना है तो 3 5 6 150 डिग्री, प्लस में 3, और ये तो डायरेक्ट है टेन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब 30, पाई माने 180, 180 में 6 से भागा देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। देखो एक तो यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों को तो मान जानवे करते हैं, इसका मान हम लोग जानते हैं कि कॉट 30 डिग्री के मान, तो कॉट 30 डिग्री के मान उतने होता है जितना ही टेन 60 डिग्री के होता है, यानी 1/√3 के होल स्क्वायर। और 3 टेन 30 डिग्री के मान, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया है, कॉट नहीं, ये √3 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर। इसका मान भले ही 3 × और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3 के होल स्क्वायर, प्लस इसका मान कैसे निकाले, कौशिक 150 डिग्री, तो 150 डिग्री आप नहीं निकाल सकते हो, इसको तोड़ना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है कौशिक 90 + 60 डिग्री, 90 + 60 डिग्री। देखो अगर मान नहीं आता तो एक दिन हम मान ही आपको याद करा देंगे, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपना टाइम क्यों बर्बाद करना चाहते, त्रिकोणमिति का बार बार बोल रहे, अर्चना भाई देख लीजिए मान आपको याद हो जाएगा। यहाँ तो खैर सही है, √3 के स्क्वायर सिर्फ 3, इधर देखें तो 3, 1 के स्क्वायर 1 कहीं, या नीचे सिर्फ 3, इधर समझो कौशिक 90, तो कौशिक 90 पे बदल जाता है, कौशिक बदलेगा किस में बदलेगा, सेक 60 डिग्री, प्लस या माइनस में, तो 90 से ज़्यादा है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड इसी का घर है इसलिए प्लस होगा। सेक को मत देखो, आप किसका मान निकाल रहे हैं इसको देखो, कौशिक, कौशिक का, कौशिक का, कौशिक का, ये कहाँ से आया सर, यहाँ से आया यार, इसको तो खैर यहाँ लिख दिए थे टेन को हम, ये 3 ये कट गया, तो प्लस में 1 इसका मान, तो सेक 60 डिग्री का मान कैसे बैठाएं, सेक 60 डिग्री का मान, देखो सेक 60 डिग्री का मान अगर आपको नहीं मालूम है तो पहले कॉस 60 डिग्री का मान पता करो। अब कॉस 60 डिग्री नहीं मालूम है सर, तो कॉस 60 डिग्री नहीं मालूम है तो साइन 30 डिग्री मालूम करो, साइन 30 होता है 1/2, इसका मतलब है कॉस 60 भी 1/2, अब कॉस 60 1/2 तो सेक 60 पलट दो सिर्फ 2 हो जाएगा, सिर्फ 2, तो 3 × 1 = 4, 4 × 2 = 6, इसका आंसर होगा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर 6। और अगर कहीं जोड़ने घटाने में गलती हो जाए तो छोटा मोटा गलती के लिए माफ़ कर दीजिएगा हमको, उतना गलती अगर होता है तो खुद से सुधार लेना थोड़ा। पाँचवा नंबर, पाँचवा में है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 और प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, तो इसका मान क्या होगा, देखिए इसका मान क्या होगा, पाई माने, पाई माने 180, अब 180 डिग्री में 6 से भागा देंगे तो जाहिर सी बात है कि 30 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। उसी तरह से यहाँ 180 डिग्री में अगर 3 से भागा देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस, यहाँ पे 180 में 4 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ तो आप बच गए, यहाँ तो कुछ करने नहीं है, डायरेक्ट साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 के स्क्वायर प्लस कॉस 60 के वैल्यू, देखो जितना साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है वही वाला तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2 के होल स्क्वायर,
माइनस में टेन पैंतालीस, टेन पैंतालीस के मान वन। अब एक बटा दो क्या स्क्वायर, तो एक बटा चार हो गया, ये भी एक बटा चार हो गया, माइनस एक, सबको जोड़ देना, जोड़ के देखिएगा तो चार एल सी एम एक प्लस एक का माइनस में दो, सबको जोड़ घटा के देखें तो कितना आया भाई, गड़बड़ हो गया सॉरी, यहाँ पे चार होगा, सबको जोड़ घटा के देखें तो कहेंगे कि माइनस दो बटा चार, यानी काट के अगर देखें तो माइनस में एक बटा दो, दैट्स राइट आंसर, यही आंसर होगा। पचमा के बाद जरा आप छठा देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स है थ्री साइन पाई बाई सिक्स गुने सेक पाई बाई थ्री और माइनस फोर साइन फाइव पाई बाई सिक्स इंटू कॉट पाई बाई फोर। देखो जहाँ भी पाई नज़र आता है वहाँ खुद से, जैसे कहीं भी अगर पाई दिखाई दे तो पाई अगर नज़र आ गया तो आप अपने माइंड में उसको सोच लेंगे, मतलब दिमाग में सोच लेना कि पाई मतलब 180। अब पाई बटा तीन है तो 180 बटा तीन, फिर काटो छाटो उतना दिमाग ख़राब करो, उससे अच्छा डायरेक्ट सोचें कि पाई मैंने 180 अब बटा में तीन है यानी 60, डायरेक्ट 60 लिख देंगे। फिर जैसे पाई मैंने 180 है बटा में 6 है तो 180 बटा 6 मतलब 30 हो गया, पाई मैंने 180 है बटा 4 तो 180 बटा 4 यानी 45 हो गया, डायरेक्ट एकदम 45 30 60 आपके जुबान पर फिट हो जाना चाहिए तो टाइम बचेगा, नहीं तो टाइम फिर लॉस होगा। थ्री जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पाई बाई सिक्स मतलब पाई मैंने 180 या 6 से भागा दे दो, तो भागा क्यों दे, डायरेक्ट लिखो ना कि साइन 30 डिग्री, हम तो ये भी नहीं कहेंगे धीरे धीरे लिख लें, अभी शुरुआती दौर में है तो लिख भी रहे हैं इतना सेक 180 हो गया और तीन से भागा देना है मतलब 60 डिग्री माइनस में फोर, यहाँ पे समझते हैं पाई बाई सिक्स तो पाई बाई सिक्स मतलब ये हो गया 30 डिग्री, ई है 30 और पाँच से गुना कर दो तो जाहिर से बात ही हो जाएगा 150, यहाँ से हो गया कॉट और 45 डिग्री। अब क्या करें, तीन साइन 30 के मान एक बटा दो, सेक 60 डिग्री, देखो सेक 60 डिग्री के मान कैसे निकाले हम बताते हैं, अगर आप चाहते हो कि सेक 60 डिग्री का मान निकले तो पहले कॉस 60 डिग्री के बारे में सोचो, क्योंकि अगर कॉस 60 डिग्री के मान पता है आपको, कॉस के मान मालूम है तो सेक के मान आराम से निकाल लीजिएगा पलट के, लेकिन फिर सवाल उठता है कि सेक कैसे निकालें, तो मतलब कॉस कैसे निकालें, अब कॉस का वही मान होता है, कॉस 60 डिग्री का वही मान होता है जो कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है एक बटा दो, इसका मतलब ये भी एक बटा दो, तो ये कितना हो गया, पलट के लिख दो सिर्फ दो, तो यहाँ समझ में आ गया सिर्फ दो माइनस फोर इसका मान तो निकालना पड़ेगा, इतना आसान तो है नहीं, साइन 150 डिग्री है तो इसको तोड़ो 90 प्लस 60 डिग्री और कॉट 45 के मान वन, दो से दो गया कट तो तीन हो गया माइनस में चार, अब साइन 90 तो साइन 90 डिग्री पे बदला जाएगा कॉस 60 डिग्री में, वन तो है ही है प्लस में कि माइनस में, तो देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से ज़्यादा, और 90 से ज़्यादा तो साइन के घरे ऑल साइन टेन कॉस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव, जैसे पूछें कि साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा साइन कहाँ पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, जैसे टेन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस रहवे करेगा लेकिन उसके अलावा कहाँ पॉजिटिव है टेन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन के साथ साथ कॉट ये दोनों प्लस है, याद रखना है कि टेन और कॉट दोनों कहाँ प्लस होता है, तो फर्स्ट में तो खैर सभ्य है सर वहाँ तो होगा ही होगा लेकिन उसके साथ साथ थर्ड क्वाड्रेंट में, इसी तरह से हम अगर आपसे पूछे कि बताइए कॉस और सेक कहाँ प्लस होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो खैर सभ्य है लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस और सेक कहाँ प्लस होता है फोर्थ में, ध्यान रखना फोर्थ में, फोर्थ में यहाँ पर, यहाँ पर कॉस होता है और कॉस के साथ साथ सेक, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन है टैन है और कॉट है, इसमें तो खैर सभ्य है ऑल साइन टैन कॉस, अच्छा साइन के साथ साथ कॉसेक भी, तो साइन 150 डिग्री प्लस होगा, ज़्यादा टेंशन मत लो,
ठीक है, जो भी है रहने दिए, 3 हो गया, -4, और कॉस 60 डिग्री के मान, अभी बोले ना कि कॉस 60 के मान वही होता है जो कि sin 30, और sin 30 के मान 1/2, 2 से ही कट गया, 2 नहीं तो 3 में से 2 घटा दो, घट के कितना हो जाएगा 1, दैट्स द राइट आंसर। और भी इसमें क्वेश्चन है बताने के, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन लेकिन जैसा कि मेरा तरीका है पढ़ाने का कि हम एक दिन में सब चीज़ नहीं बताते हैं, या एक ही दिन में सब एकदम उसको उस तरह से नहीं बताना कि एकदम पागल के तरीके से बताते रहे। अच्छा, इसमें बाकी जो दो क्वेश्चन हैं, 14 है, 15 है, 16 है, वो तीनों कल बता दिया जाएगा, 14, 15, फिर 16, 17, 18 हो गए। और इसके बाद के जो एक्सरसाइज है ना, उसमें थोड़ा सा ग्राफ है, और ग्राफ के लिए देखो, ग्राफ इस कॉपी पे तो हम बता देंगे, तो बोर्ड पर तो बता देंगे, कॉपी कर रहे हैं, बोर्ड पर बता देंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहता कि कॉपी पे बताया जाए। तो देखेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि बोर्ड पर बता दें। जैसे आप लोग तो 10th के तो विद्यार्थी हो ना, 10th में होता है कि पहली बार हम लोग जीवन में ग्राफ पढ़ते हैं सर, 9th में उतना ग्राफ नहीं पढ़ते, 10th में पहली बार ग्राफ, लेकिन 11th में पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है कि आप लोग 10th से ग्राफ पढ़ गए हैं, और जब 10th के ग्राफ पढ़वे किए हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। तो ग्राफ ख़त्म करके अगले एक्सरसाइज पे आएंगे, बाकी अगर कभी मन होगा ना वैसा तो ग्राफ की कॉपी भी बता देंगे। फिलहाल आज यहीं तक, मिलते हैं फिर कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास को ठीक है अपने हिसाब से, जो भी अच्छा लगे आप अपना काम कर दीजिएगा, मतलब लाइक कर दीजिएगा, और क्या। चलो तो तब तक के लिए गुड बाय।